अरे भैया राम आए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी आज। हम ओबीसी एससी एसटी बहुत खुश हैं कि अब हमको घंटा बजाने को मिलेगा, वही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। हम और घंटा एक ही हैं, लोग हमको बजाते हैं, हम घंटा बजाएंगे। केबीसी रेशनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। नमस्कार दोस्तों, आज बड़ी खुशी का मौका है, बयान नहीं करते बन रहा है मेरे ओबीसी एससी एसटी मेरे भाइयों। क्या बताएं, आज 22 तारीख है ना, आज तो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा था। मेरा घर शहर के किनारे ही है, अभी वापस आ रहा हूँ, रात को 8 बज रहा है। ज़्यादा रौनक नहीं दिखी, ज़्यादा लाइटें नहीं दिखी। मोदी जी ने तो कहा था बहुत सारे दिए जलेंगे, हर घर में दिए जलेंगे, लेकिन ऐसी कोई खुशियाँ नहीं दिखी। हम तो सोचे आप सब लोग खुश होंगे, भैया ओबीसी एससी एसटी सभी बहुजन समाज राम आए हैं भैया, तो एक बार प्यार से जोरदार जयकारा लगाएंगे, श्री जय 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 भीम। अरे हमको राम का जयकारा लगाना था भैया, ये हमारे मुंह से जय भीम कैसे निकल रहा है? हाँ फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, प्यार से बोलो जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम के सिवा तो कोई नारा ही नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से। छोड़ो, जाने दो, लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, भगवान नहीं हैं, हम सुने हैं ऐसा। तो भैया अब प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, अब चलो अयोध्या सब कोई। आज भी गए रहे होंगे सारे ओबीसी एससी एसटी करीब करीब। हाँ तो अब हमारे हाथ में आ गया है घंटा, अब हम घंटा बजाएंगे। तो तैयारी हो चुकी है हमारी भी, आप सबकी भी, तो बस यही घंटा बजाने को रह गया है। हम चलेंगे, घंटा बजाएंगे, घंटा बजाएंगे। राम आए हैं तो मंदिर, तो जो घंटा बड़े बड़े लगे हुए हैं वो हमारे ही लोगों के लिए आए हैं, हम उसी के लायक रह गए हैं ना घरों में। हाँ अभी एक जगह दगा हमारे, कहीं कहीं सुनाई दे रहा है पटाखों की आवाज़, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, कहीं कहीं दीप भी दिखाई दिए, लेकिन उस तरीके की खुशी, उस तरीके का रौनक नहीं दिखा। हाँ लेकिन कुछ मनवादी, कुछ पाखंडी लोगों को हमने देखा आज, जो छोटे छोटी कहते हुए थोड़ा सा भैया वो हो रहा है, माफ़ करना इस शब्द पर, हमारे जो हमारी छोटी जातियां हैं उनके बगल में जो मंदिरें बनवा दी गई हैं वहां पे हमने आज देखा कुछ ब्राह्मण लोग ज़बरदस्ती उन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करवा रहे हैं। हाँ भीड़ तो नहीं दिखी, झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे कि कोई ज़बरदस्ती पकड़ कर लाया हो, मंदिरों में बिठा दिया गया हो। हमने देखा 2-3 मंदिरों में, कहीं ज़्यादा भीड़ नहीं थी। भंडारा कई जगह देखा हमने, भंडारा तो भंडारा होता है भैया, वहाँ तो भोजन मिलता है, और गरीब गरीब की संख्या बहुत है भारत में, तो खाना है वहाँ पे, भोजन है, प्रसाद है, खाना है, उसको खाने के रूप में लोग खाना खाने तो जाएंगे ही, तो वहाँ भी कोई खास भीड़ नहीं दिखी। तो हम भैया, हम ओबीसी एससी एसटी बहुत खुश हैं कि अब हमको घंटा बजाने को मिलेगा। जाते हैं ना मंदिरों में, घंटा बजाते हैं, फिर मंदिरों में घुसते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, चले आते हैं, फिर जो है जाते हैं दिहाड़ी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, खाते हैं, उसी से बच्चों का पेट भी पालते हैं, जो बच्चा है बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में भेजकर पढ़ा लेते हैं, और कुछ सरकार हमारे बच्चों की मदद कर देती है, साल भर में एक आध जोड़ी कपड़ा मिल जाता है, दोपहर में भोजन भी सरकार दे देती है हमारे बच्चों को, तो बहुत अच्छी बात है। राम आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा डाली जा चुकी है, कार्यक्रम हो चुका है, पूरे भारत भर में खुशियाँ मनाई जा रही है। तो अब कल से सब कोई तैयारी करो,
भाई दर्शन भी करने जाना है, बहुत भीड़ थी आज सुना हमने, सभी लोग जा नहीं पाए, तो अब जाएंगे ओबीसी एससी एसटी जो बहरवा घंटवा बनवाए हैं, अब उसको हम बजाने जाएंगे सब कोई मिलकर। आप भी चल लोगे भैया? ठीक है। और कुछ हमारे जो ओबीसी एससी एसटी भैया हैं जो पाखंडियों के बरगलाने पर अपने अपना होश खो बैठे हैं, वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, उसके पहले राम थे, राम की मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। सुनने में तो ऐसा ही आता है, सबके कानों में ऐसा ही भरा गया है। तो ये सारे जो ओबीसी एससी एसटी हैं, ये तो बेचारे सब हिंदू हैं ना, अब हिंदुओं की मंदिर बन रही है, इनके भगवान राम की मंदिर बन रही है, इनको तो बड़ी खुशी है, अब घंटा बजाने को मिलेगा, वही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और हाँ, तो ये सब एससी एसटी ओबीसी सोच रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के सीने पर घूंसा मार रहे हैं, हाँ, उनकी खोपड़ी तोड़ दिए, मंदिर बनवा दिए, देखो प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दिए अधूरी मंदिर का, कितनी खुशी हुई होगी सभी को। बहुत अच्छा दोस्तों, तो इसी बात पे एक बार जयकारा लग जाए हमारे प्रभु का, तो बोलो जय भीम। बार बार मेरे मुंह से जय भीम ही क्यों निकल रहा है भैया? असली भगवान जो है किसको मानूं, हमारे लिए तो भीम ही जी हैं, और किसी ने तो कुछ किया नहीं है। दिन भर दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, तो घर का खर्चा चलता है, थोड़ा बहुत आ रही है आवाज़ पटाखे की, ये हमारे 80 बस्ती में है भैया, बड़का दिमाग वाले हैं, ये सिर्फ ऐसे फुदक रहे हैं जैसे बुझने से पहले दिया। तो भैया हम तो बहुत खुश हैं कि हम सब ने मिलकर कुछ तो हासिल कर लिया, कुछ तो हमारे हाथ आया, कम से कम घंटा ही बजाने को तो हाथ आया, चलो अब हम घंटा ही बजाएंगे, पहले लोग हमको बजाते थे, अब हम फिर से घंटा बजाएंगे, हम और घंटा एक ही हैं, लोग हमको बजाते हैं, हम घंटा बजाएंगे। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आप सब लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, जितना भीम जी ने कहा था उससे ज़्यादा समझदार हो गए, उससे ज़्यादा पढ़ लिए हैं आप। भीम जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, मगर आप लोगों ने हद से ज़्यादा पी लिया, आज आप उस तरीके का नहीं दहाड़ रहे हैं, आज आप अपनी जात को लेकर दहाड़ रहे हैं, यादव कुर्मी पासी जमात सोशल मीडिया पर आजकल सब अपनी अपनी जात लेके दहाड़ रहे हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पी लिया। हाँ, जैसे हमारे यह पासी समाज के कुछ मूर्ख लोग हैं, हमको लगता है ये लोग ज़्यादा दूध पी लिए हैं, 5-5 रुपए वाला चुटपुटिया ला के फोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है भैया, तो अब मंदिर का घंटा हमारे हाथों में आ गया है, अब हम सब मिलकर बजाएंगे, बड़ी खुशी मिल रही है, मुसलमानों के छाती पर घूंसा मार दिया है सबने मिलकर, उनकी बाबरी मस्जिद वहाँ थी तोड़वा के राम मंदिर बनवाई गई, लेकिन उसके पहले वहाँ पे क्या थी ये आप लोगों ने सोचा ही नहीं। हाँ, वहाँ पे राम मंदिर थी ही नहीं, लोग कहते हैं वहाँ पे था कुछ और, उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी, बाबरी मस्जिद के बाद अब राम मंदिर। तो चलता हूँ दोस्तों, एक बार जयकारा तो लगा दो सबको मिलके, तो प्यार से बोलो जय भीम।